हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आज है शिवरात्रि। मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और वीडियो कब तक जाएगा ये वीडियो का तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो तो बना लिया है बट अपलोड कब होगा पता नहीं। ये देखिए, मॉर्निंग के हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैं उठ के काम में लग गई हूँ। तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी बट काम तो करना ही है घर में, कौन करके देगा। इसलिए घर का हालत देखिए कितनी गंदी हो रखी है घर में। अगर घर का काम करने वाला आदमी बीमार हो जाए तो घर की तहस नहस हो जाता है, पूरा घर देखने लायक होता है कि ये कितना गंदा घर हो जाता है। ये देखिए, 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए अभी मैं पूरे घर को अच्छे से समेट लेती हूँ। क्योंकि जब तक मैं घर का काम नहीं करती अच्छे से, जो चीज़ जहाँ की होती है मुझे पसंद नहीं आता बिल्कुल भी, ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं किया। देखिए, मैं बिस्तर बना लेती हूँ क्योंकि 2 दिन से या घर का कोई काम ही नहीं हुआ, इसलिए मैं बिस्तर बना लेती हूँ। फिर मंदिर भी जाना है इसलिए मैं घर का पहले पूरा सामान समेट लेती हूँ, फिर इसके बाद मंदिर जाऊँगी। रात को बर्तन धुल के रख दिया था, अभी इन बर्तन को मैं जमा देती हूँ, इनको रख देती हूँ, बाकेट खाली कर देती हूँ। बर्तन को रख दिया है, अभी ये बर्तन धुलने हैं। मैं अपने बच्चे को दूध और बिस्किट मांग रहा था, मैंने उसके लिए दूध गर्म किया और बिस्किट दे देती हूँ। फिर मैं इसके बाद थोड़ा सा भाप लूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा जुकाम हो रखा है, इसलिए मैं बोली पहले भाप ले लेती हूँ फिर इसके बाद दूसरा काम करूँगी। ये देखिए, मैंने इंडक्शन में पानी गर्म किया और मैं भाप ले रही थी क्योंकि मेरे को गले में जुकाम ये सब ज़्यादा हो रखा था। मेरे बच्चे को भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अभी मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे को भी हो जाएगा। इसलिए अभी मैं बाल को कोम कर लेती हूँ फिर जाती हूँ। बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया है, इसलिए भी मैं रेडी हो जाती हूँ। ये देखिए, मंदिर में जाने के लिए पूजा का सामान और पन्नी में है। ये देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ, अभी निकलते हैं। हम पहुंच गए थे मंदिर, ये देखिए मेरी फ्रेंड पूजा कर रही है, हम बाहर खड़े थे क्योंकि छोटा सा मंदिर है इसलिए। ये देखिए, फिर मेरी फ्रेंड ने पूजा कर लिया, फिर मैं पूजा कर रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और जो मंदिर है उनमें तो और ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हमने बोला पूजा कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा था 10, 10:30, 11 बजने वाले थे, लेट वैसे भी हो गए थे इसलिए भीड़ बहुत हो रखी थी, इसलिए हमने बोला पूजा कर लेते हैं। और आप सबकी पूजा शिवरात्रि व्रत कैसा रहा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पूजा हो गई है और अब हम घर जा रहे थे बट रास्ते में एक और मंदिर पड़ता है तो हमने बोला चलो उसमें भी चलते हैं, बट वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए हम थोड़ी देर वहाँ भी पूजा किए शिव जी की और फिर हम घर वापस आ गए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बोलने में कोई गलती हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने बोलने में क्या गलती की है। ये देखिए, ये मंदिर तो बहुत अच्छा लग रहा था, शिव जी को कितने अच्छे से श्रृंगार करके उनको सजाया गया है। ये देखिए, हम यहाँ भी आ गए, पूजा कर लेते हैं। शिव जी की कितनी भी पूजा करो वो कम ही है, इसलिए हम सभी फ्रेंड मिलके इस मंदिर में भी आ गए। ये देखिए, और आप लोग को कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमने पूजा कर ली और अब हम थोड़ी देर फ़ोटो वोटो खिंचाए थोड़ा सा और हम निकल लिए घर के लिए।
ये देखिए अभी बाहर थोड़ा धूप आ रही थी, अच्छा लग रहा था बाहर निकल के, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए अंदर ज़्यादा ठंडा लग रहा था। ये देखिए यहाँ पहाड़ों में तो ऐसी भी ज़्यादा ठंडी लगती है, हवा चलता रहता है। फ्रेंड मंदिर से आ गई थी, बज गए हैं 12 और अभी मैं चाय पी रही हूँ और थोड़ा मूँगफली खा रही हूँ। पहले पानी पी लेती हूँ फिर मिलती हूँ, ठीक है। फ्रेंड बज गए हैं 1 और मैं मंदिर से 12 बजे आ गई थी, चाय वाय पी लिया, अभी कपड़े बाहर से निकाल के अंदर लेके आई हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा फोल्ड कर रहा है कपड़े, ये देखिए कपड़े फोल्ड कर रहा है। और अभी मैं साड़ी चेंज करती हूँ, सूट पहनती हूँ और फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। अभी हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए खाना बनाना है, और अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड इतने सारे कपड़े रखे हैं, इनको फोल्ड करना है, थोड़ा रेस्ट कर लूँ फिर कपड़े फोल्ड करती हूँ। हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और फिर हम आ गए थोड़ा धूप लेने के लिए, थोड़ी देर बैठे रहे बातें वाते की। ये देखे धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड इवनिंग के बज गए हैं 5 और मैंने किचन साफ कर लिया है, पूरा काम हो गया है। मंदिर जाना था बट हस्बैंड को ऑफिस से कॉल आ गया, वो ऑफिस चले गए हैं। अभी मंदिर नहीं जाऊंगी, घर में ही पूजा करूंगी थोड़ी देर से, क्योंकि 5 बज रहे हैं, 5:30 बजे तक आज प्रदोष भी है तो जल्दी पूजा करना पड़ेगा। और शिवरात्रि भी है, और कौन कौन ने आज शिवरात्रि व्रत रखा था मेरे को तो लग रहा है कि सभी ने ही रखा होगा, क्योंकि सभी ही व्रत रखते हैं। और किस किस ने रखा था कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर से मिलती हूँ। बज गए थे इवनिंग के 5:30 और शाम की पूजा करने का टाइम हो गया था और मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे कथा भी सुननी पड़ती है। पूजा करने का टाइम हो गया था, ये देखे हमने पूजा, शाम की पूजा मेरी हो गई। ये देखिए फ्रेंड मेरी पूजा हो गई है और अभी मैं आ गई किचन में, साबुदाना बना रही हूँ। इधर बनाई है मैंने चाय, चाय पीती हूँ और साबुदाना भी पक रहा है। अभी मैं चाय पी लेती हूँ, साबुदाना पक रहा है, ये देखिए साबुदाना पकेगा, फिर इसके बाद मैं पूरी और सब्जी बनाऊंगी बच्चे और हस्बैंड के लिए। इसके बाद फिर हम साथ में खाना खाएंगे, अभी हस्बैंड ऑफिस गए हैं। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पूरा वॉच किया करिए। बाय बाय, गुड नाइट।